हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है अपन को। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे क्या कह रहा है अपन को कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n गिवन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 6 का जो लास्ट नंबर आएगा, ठीक है, कि लास्ट नंबर आएगा क्या वो 0 है या नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 100, 6 का अगर नेचुरल नंबर किसी भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कराए, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5। अब 6 की पावर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या उसका नंबर का जो लास्ट नंबर है क्या वो 0 पर खत्म होता है या नहीं, वो बताना है अपन को। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। अगर सपोज करो कोई नेचुरल नंबर ले लिया अपन ने, उसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आया 50, तो क्या ये 0 नंबर से खत्म होता है या नहीं, मीन लास्ट वाला नंबर 0 आता है या नहीं वो बताना है। अगर 6 की पावर अपन n ले तो, और n क्या है देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे अपन कौन से नंबर लेने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर सपोज करो यहां पे 6, n की अपन ने पावर वैल्यू क्या ले ली, 1, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 into 1 is equal to 6। अगर n की पावर क्या ले ली, 2, तो 6 into 6 is equal to 36। मीन्स यहाँ पे ये बताना कि लास्ट वाला नंबर नंबर क्या 0 पर एंड हो रहा है या नहीं वो बताना है। हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा है तो नो लिख देंगे। 6 की पावर 3 ले ली, 6 into 6 into 6 is equal to कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 into 6 कितना हो जाएगा, 36, 6 3 18 18 19 20 21, तो 216। अगर 6 की पावर 4 ले ली तो कितना आ जाएगा, 216 को और 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, 6 into 6 into 6 into 6, 6 6 36, 1 6 6 6 7 8 9, 2 6 12, तो 1296। अगर 6 की पावर 5 ले तो कितना आ जाएगा, 6 6 9 54 54 3 54 55 56 57, 2 6 12 12 or 5 13 14 15 16 17, 1 6 6 6 or 7, 1 2 3 4 5 is equal to कितना आ रहा है, 7 7 7 6। मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि लास्ट नंबर क्या 0 आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई अगर नेचुरल नंबर अपन n ले रहे हैं वो भी 6 का, तो लास्ट नंबर में कोई 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्या क्या कर देंगे अपन कि जो 6 की पावर n है वो क्या एंड, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कैन नॉट एंड हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, पावर जो इनकी जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। जीरो देखो कब आता है, जैसे अगर अपन क्या कौन से फैक्टर, जिसके भी फैक्टर कोई भी नंबर, अभी ऐसे तो नहीं है क्वेश्चन में अपन करते ही जाएंगे कि जीरो किस पे आना है, चेक करते जाएंगे तो ऐसे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना। तो क्या चेक करना, अगर देखो यहाँ पे अगर 6 के अपन फैक्टर निकालते हैं तो क्या आते हैं, 2 2 3 6 3 1, मीन्स 2 और 3 आ रहे हैं, और 0 लाने के लिए कौन से फैक्टर की नीड होगी अपन को, सपोज करो कौन सी होगी, 2 और 5। देखो 2 और 5 करते हैं तो 10 तो आता ही है, 10, फिर आगे अगर अपन 2 जोड़ दें इसमें, 2 तो कितना होगा, 20। देखो 2 into 5 is equal to 10, यहाँ पे लास्ट एंड में 0 आ रहा है, और देखो 10 into 2 कर दिया, 20 हो गया, 0 आया, फिर 10 into अगर 3 भी करते हैं अपन, 10 कैसे बन रहा है, 2 into 5 से बन रहा है, ठीक है, तो 10 3 30, तो 30 में भी 0 आ रहा है, ठीक है, और 10 into 4 कर दे तो 40, 0 आ रहा है, मीन्स 2 into 5 into 4,
कुछ ऐसे फैक्टर हो, मींस अगर कोई भी नंबर पूछे कि जैसे सपोज करो कोई भी नंबर पूछ दिया अपन को और बोल दिया कि इसके एंड में क्या जीरो आता है, तो वो जीरो कब आएगा, जब उसके फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर के अंदर 2 और 5 होगा तो ही जीरो आएगा। अगर 2 और 5 नहीं है तो मतलब जीरो नहीं आएगा। अपन क्वेश्चन को देख ही बता सकते हैं कि इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें आएगा। कैसे? कि अगर उसके फैक्टर 2 और 5 निकलते हैं तो जीरो आएगा, नहीं निकलते हैं कुछ और निकलते हैं तो जीरो पे एंड नहीं होगा उसका नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो सब में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो ये ही इसका था आंसर, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहा है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो सबसे पहले चीज है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जो क्या हो, जिसको खुद की भी टेबल लगे और दूसरों की भी टेबल में आए। जैसे सपोज कोई भी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे अपन ने लिख दिया 2 × 3 × 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। मींस जो नंबर क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्यों है वो बताना है। तो कंपोजिट नंबर करने के लिए इनका जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, सारे मल्टीप्लाई में आने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट में आने चाहिए। यहाँ पे अपन देख रहे हैं प्लस साइन आ रही है, और यहाँ पे भी देख रहे तो प्लस साइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सब सारे नंबर अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो मतलब कंपोजिट है, ये एक्सप्लेन करना है अपन को। तो करते हैं एक्सप्लेन अपन। अब देखो फर्स्ट क्या गिवन है अपन को, फर्स्ट क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। बीच में क्या आ रहा है, प्लस। देखो जब भी अगर प्लस आता है तो अपन क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस ए वैल्यू में, जैसे सपोज करो इसको अपन ए वैल्यू मान ली, इसको बी मान ली। ठीक है, अब ए वैल्यू में क्या आ रहा है, 13, बी वैल्यू में भी क्या आ रहा है, 13, तो 13 अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 7 × 11, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बचा, 13 में से 13 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 11 कितने होते हैं, 77, और +1 कितना हो जाएगा, 13 × 78। ठीक है, अब देखो जो ये 78 आया, अब ये आपस में मल्टीप्लाई है, 13 × 78। अब इसमें जो इस क्वेश्चन जो प्लस था वो तो हट गया है, अब 70 या तो अपन इतना लिख सकते हैं, 78 का फैक्टराइज कर देते हैं अपन, 78 को 2 का डबल लगाते हैं, 2 × 3 = 6, 1 यहाँ चला गया, 9 टाइम, फिर 3 का, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 31 टाइम। अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 × 2 × 3 × 13। अब ये क्या नंबर कंपोजिट नंबर में आ रहा है, अब बीच में इस वैल्यू के बीच में प्लस नहीं है, सब क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, अब सेकंड करते हैं इसका, सेकंड में क्या गिवन है अपन को, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो सेम, ये पूरी वैल्यू ए हो जाएगी, ये भी। ठीक है, अब इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 7 × 6 × 5 तो हट गया, 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पे +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 तो लिख दिया, यहाँ पे करते हैं अपन 7 × 6 = 42 × 4, यहाँ पे कर लेते हैं अपन 42 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 × 4 = 8 और 4 × 4 = 16। अब देखो यहाँ पे और फिर 3 से करवाते हैं इसको,
ठीक है। अब यहाँ पे ये टू, अब टू से करवाते हैं इसको, टू फोर जा एट, टू जीरो जा जीरो, टू फाइव जा टेन, ठीक है। और यहाँ पे इंटू वन करवाएंगे वो आएगा, और प्लस वन, प्लस वन कर दिया तो नाइन जीरो जीरो वन। अब देखो इस सब का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वन जीरो जीरो नाइन। तो यहाँ पे देखो फाइव इंटू वन जीरो जीरो नाइन, फाइव जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वन जीरो जीरो नाइन से हो रहा है। और वन जीरो जीरो नाइन के अगर अपन फैक्टर भी निकालें तो क्या हो जाएंगे, जैसे इसको किसका टेबल लगा दे अपन, थ्री का लगा दे तो थ्री का किसका टेबल लगेगा इसको, देखो टू टू का तो नहीं लग रहा है, और अगर थ्री का अगर अपन लगा है तो थ्री थ्री जा नाइन, वन यहाँ चला जाएगा, वापस थ्री थ्री नाइन, नाइनटीन आ रहा है, तो टू का भी नहीं लग रहा है इसको, थ्री का भी नहीं लग रहा है, और किसका टेबल लगा दे ये, अब देखो यहाँ पे वन जीरो जीरो नाइन को एलसीएम में किसका टेबल लगा दे अपन, जैसे अगर सिक्स का लगा दे तो सिक्स वन जा सिक्स, फोर यहाँ चला जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा, फिर सिक्सटी को टेन टाइम, और नाइन नहीं आएगा, ठीक है। तो वन जीरो जीरो नाइन के जो फैक्टर है वो क्या निकल जाएंगे, इसको अगर अपन सेवन का लगाएं, सेवन के टेबल में नाइन तो नहीं आता है, वन सेवन का सेवन, थ्री यहाँ चला गया, फिर जो है एक मिनट, अगर इसको अपन फैक्टराइज नहीं भी करें तो भी देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और 1009 का क्या फैक्टराइजेशन आ जाएगा। अब इधर देखो ये जो 1009 है इसका कोई फैक्टराइजेशन निकल ही नहीं रहा, मींस इसको किसी का डेबिट ही नहीं लग रहा है, तो इसको 1009 का ही लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मतलब, ये दो नंबर आ रहे हैं, इन दोनों नंबर के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, अब इन दोनों नंबर के बीच में प्लस की साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। मींस अपन ने एक्सप्लेन कर बताया कि दोनों जो नंबर है वो दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर क्यों है कि दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेवन, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, लंबा क्वेश्चन है, पढ़ के बता रही हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो सोनिया है और एक कौन है, रवि है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फील्ड है उसके अराउंड, जैसे सपोज करो कोई भी फील्ड है उसके अराउंड दो जने चक्कर लगा रहे, जैसे एक फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में है और उसके अराउंड दो जने चक्कर लगा रहे, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी सोनिया और एक है रवि, ठीक है। जो सोनिया है वो टाइम कितना ले रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, जो ये सोनिया है इस राउंड को पूरा करने के लिए 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है। और रवि है, रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स। मींस इन्होंने क्या किया था कि एक ही टाइम पर स्टार्ट हुआ, ये क्या है फील्ड, सोनिया ने सपोज करो यहां से सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, बट ये कंप्लीट करते करते 18 मिनट लगा देती है
और रवि 12 मिनट लगा देता है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा, मीन्स यहाँ पे क्या है, जो रवि है वो तो जल्दी आ जाता है, सोनिया उसके बाद में आती है, तो यहाँ पे ये अपन को ये बताना कि ऐसी कौन सी पॉइंट आएगी इस फील्ड की, ऐसी कौन सी पॉइंट आएगी जहां से ये सेम ही जगह पे क्या होंगे, एंड होंगे। मीन सोनिया भी यहाँ पे भी आके खत्म हो गई और रवि भी यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो मतलब फिक्स पॉइंट बताने की, ऐसी कौन सी पॉइंट आएगी जहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर, फिक्स टाइम पर आएंगे, तो ठीक है। इन दोनों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, मीन्स कितना मिनट लगेगा, अपन को मिनट फाइंड करने के कितने मिनट्स लगेंगे जिसके बाद वो राउंड करते करते दोनों ही एक ही पॉइंट पे आए, तो मिनट बताने अपन को। तो मिनट फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इन दोनों की एक साथ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगी वो अपने मिनट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है अपन को, 12 और 18, ठीक है। तो 12 और 18 की क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अब देखो सपोज करो 2 का टेबल लगा दिया, 6 टाइम 2 6 12 और 2 9 18, फिर 2 का लगा दिया 2 3 6 9 का नहीं लग रहा है, फिर 3 का लगा दिया 3 1 3 3 टाइम 3 3 9, फिर 3 का 1 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 और 18 मिनट के जो अपन ने फैक्टराइजेशन किए वो कितने आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, मीन्स 12 और 18 का अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एलसीएम ऑफ 12 and 14 = 36, मीन्स 36 मिनट लगेंगे तब जाके ये सोनिया भी उसी पॉइंट पर आएगी और रवि भी उसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। टोटल कितने मिनट लग जाएंगे, 36, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो या आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है।